इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ के राजाजीपुरम से। खबर विस्तार से। आपको बता दें, आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र 171 के निर्दलीय प्रत्याशी हनीफ खान ने चुनाव आयोग की देखरेख में निकाली मोटरसाइकिल रैली। इस रैली के माध्यम से क्षेत्र की जनता से अपने चुनाव निशान गैस के चूल्हे पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाने की बात कही। वहीं खान ने गरीब मजदूर और क्षेत्र के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विकास की बात कही। काफी लंबे समय से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई है। अगर जनता ने अपना आशीर्वाद देकर हमको विधानसभा में भेजा तो मैं वादा करता हूँ कि पश्चिम विधानसभा को बेहतर बना लूंगा। हनीफ खान ने बीजेपी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को हराने में विपक्ष नाकाम है। अब्दुल रहीम की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। 171 विधानसभा क्षेत्र से हनीफ खान जी हमारे साथ हैं। जानते हैं कि आज साइकिल संकल्प रैली जो निकली, इसके पीछे का मकसद क्या है? नेताजी जरा बताइए, क्या मकसद इसका? देखिए, लंबे संघर्ष के बाद हम चुनाव के मैदान में हैं और चुनावी अभियान के दौरान और प्रचार के दौरान हमको लखनऊ पश्चिम की जनता ने जो स्नेह और प्यार मोहब्बत दिया है, जो भरोसा दिया है, वो भरोसा हमने जनता से कहा है कि 23 मार्च तक बनाए रखें और ये चुनाव का आखिरी चरण चल रहा है और हम अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए लखनऊ पश्चिम में कि विभिन्न सड़कों पे अपना रोड शो निकाल के जनता से जन समर्थन मांगेंगे। लखनऊ को आप किस तरह देख रहे हैं, क्या परिवर्तन होना है अभी लखनऊ के अंदर? भारतीय जनता पार्टी को हनाने के लिए विपक्ष कमजोर है, जो प्रत्याशी उतारे हैं वे लड़ने लायक नहीं है और लखनऊ पश्चिम में परिवर्तन इसलिए होगा कि क्योंकि मैं एक ज़मीनी आदमी हूँ, लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। क्या क्या परिवर्तन का जो है संकल्प लिया आपने, क्या मतलब क्या कमियाँ देख रहे हैं आप अपने क्षेत्र में अभी तक? देखिए, इससे पहले भी कई बार विधायक यहाँ से चुन के गए थे, उनके रहते हुए क्षेत्रों की उपेक्षा हुई है और जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए थे, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि विधायक बनने के बाद हम लोग इतना काम करेंगे, इसकी किसकी कल्पना भी नहीं होगी।